बजट में इस बार निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने बैंकिंग क्षेत्र में भी कई घोषणाएं की हैं, जिनमें खास तौर पर दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दिनेश कुमार खारा साहब, जो कि चेयरमैन है SBI के, वो सीधा आज तक पर जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, कहीं आप वो तो नहीं, क्योंकि दोनों जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिनमें प्राइवेटाइज करने की सरकार सोच रही है, उनका नाम नहीं बताया गया है? ये सवाल जैसा आपने मेरे से किया, मेरे मन में भी ऐसा ही सवाल है। इस बारे में जवाब देना भी संभव नहीं, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। लेकिन दिनेश जी, इस पर क्या राय है आपकी, क्या आपको लगता है? देखिए, इससे पहले भी सरकार ने कई कदम उठाए थे, और अगर मैं सही हूं तो पिछले साल उन्होंने अगस्त 2019 में जो 10 बैंक्स थे उनको मर्जर अनाउंस करके, जो कि अप्रैल से इफेक्टिव हुआ, 1 अप्रैल से होगा, उसमें उन्होंने 10 बैंक्स का मर्जर करके 4 बैंक बनाए। तो क्या आप सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन से इन प्रिंसिपल सहमत हैं? देखिए, ऐसा है कि जो पिछले वर्ष जो कदम उठाए गए थे वो बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए गए थे, जिसके माध्यम से जो छोटे बैंक हैं उनको उनका विलय किया गया बड़े बैंकों में, और उस कारण से उनकी बैलेंस शीट जो है वो स्ट्रांग बनेगी, इस ध्येय से ये काम किया गया। अभी जो एक घोषणा की गई है कि 2 बैंकों का प्राइवेटाइज किया जाएगा, मेरा ये मानना है कि इस साल सरकार के द्वारा 20,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कैपिटलाइजेशन के लिए है। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार के 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 विचार में पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक दोनों ही एक अहम भूमिका अदा करते हैं किसी भी इकोनॉमी के क्रिएशन में, और जो है इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में। तो मेरे विचार में शायद इस विषय में मैं इस घोषणा को इसी संदर्भ में देख रहा हूं। ठीक है, चलिए, मैं समझ सकती हूँ आपकी मजबूरी। आप चेयरमैन है SBI के, SBI सबसे बड़ा एक तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक के तौर पर देखा जाता है, रीढ़ की हड्डी अभी इस पूरी व्यवस्था का माना जाता है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जिस तरह के टॉक्सिक एसेट्स, यानी ये कोविड के दौरान भी कई ऐसे आप कह सकते हैं एसेट थे जो पेपर्स रखे गए थे एसेट के, वो नगावारा गुजरे, मतलब उनका कोई मूल्य नहीं रहा, उनकी ठीक कीमत नहीं रही। बैंक्स भी जबरदस्त मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, और इस सिचुएशन को संभालने के लिए बैड बैंक का कॉन्सेप्ट लेकर सरकार आई है, वित्त मंत्री आई है। इस पर क्या कहना है आपका? बैंकों की व्यवस्था, बैंकों के एडमिनिस्ट्रेशन, उनके प्रशासन को लेकर कई मौलिक सवाल है जिसका इस तरह से सरकार एड्रेस कर रही है। देखिए, ऐसा है कि जहां तक बैंकों का जो आपने कहा शायद ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि अभी जो बैंकों की स्थिति है, अभी अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो भी तकरीबन 75% के करीब है। और अगर जो है जितने भी NPA अकाउंट्स हैं उनमें अगर रियलाइजेशन 25% होता है, तो बैंकों की बैलेंस शीट में कोई अफेक्ट आने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी जो बैड बैंक तो नहीं, लेकिन ARC और AMC का एक जो घोषणा की गई है आज के बजट में, उसके माध्यम से ये कोशिश रहेगी कि जो भी बैड एसेट्स हैं बैंकों के पास उन, और जिसमें प्रोविजन हो रखा है, उनको जो है बेटर रियलाइजेशन के लिए एक कोशिश की जा रही है। ARC के माध्यम से जो उनको जो है सिक्योरिटी रिसीट्स दी जाएंगी, 15% कैश और 85% सिक्योरिटी रिसीट्स। सिक्योरिटी रिसीट्स में वैल्यू को एनहांस करने के लिए इस बजट के माध्यम से ARC प्लस AMC का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। AMC के माध्यम से जो है एक जो ONM एजेंसीज थी जो कि पहले नहीं ARC के साथ काम करती थी, वो भी अब साथ में काम करेंगी, और उनके AMC के ARC के साथ में काम करने के कारण जो भी ऐसी असेट्स होंगी जो कि बैंक से ट्रांसफर होंगी इस एंटिटी को, उसमें वैल्यू क्रिएशन होगा, और उस वैल्यू क्रिएशन के द्वारा जो 85% सिक्योरिटी रिसीट्स हैं बैंकों के पास, उसमें जो है बैंकों को मुनाफा होने की संभावना अच्छी रहेगी। ठीक, एक आखिरी सवाल आपसे, आपको बजट कैसा लगा? आपको लगता है बैंकों के लिए ओवरऑल अर्थव्यवस्था के लिए जान आएगी इससे?
मेरा ये मानना है कि इस बजट के माध्यम से जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया है, उसी के कारण से कोर सेक्टर जो इकोनॉमी का है उसमें बहुत अधिक एक्टिविटी जनरेट होगी, और कोर सेक्टर में अगर एक्टिविटी जनरेट होगी तो एम्प्लॉयमेंट में बहुत सपोर्ट मिलेगी। तो उस तरह से मेरा ये मानना है कि बजट बहुत अच्छा है। बैंक लोन देने में हिचकिचाएंगे तो नहीं? बैंक पहले भी कभी लोन देने में नहीं हिचकिचाते थे और अभी आगे भी नहीं हिचकिचाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दिनेश खारा जी जुड़े हुए थे, चेयरमैन एसबीआई के, जिनका ये मानना है कि इस बजट के जरिए अर्थव्यवस्था में हम आने वाले दिनों में सुधार देखेंगे, और जिस तरह की कदम उठाए गए हैं वित्त मंत्री द्वारा, उससे अर्थव्यवस्था लॉन्ग टर्म में उसमें बदलाव देखा जाएगा।